व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है? मेरा नाम है रजाकार, आप देख रहे हैं टेकबॉक्स। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों विंडोज 11 के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, जो दोस्तों विंडोज 10 में नहीं था और जो दोस्तों विंडोज 10 से इसको अलग बनाता है, बहुत ही डिफरेंट बनाता है। और ये दोस्तों फीचर्स ऐसा है जिसके हेल्प से दोस्तों आपका विंडोज 11 जो आपके पीसी में डालेंगे, चाहे वो सपोर्टेड हो या अनसपोर्टेड हो दोस्तों, उससे फर्क नहीं पड़ता। उस पर हमने वीडियो बना दिया है जो आपको बता देंगे आगे दोस्तों के कैसे वगैरह करना है। लेकिन बात करेंगे दोस्तों कि इसमें एक ऐसा फीचर है जिसके हेल्प से दोस्तों आपका विंडोज 11 लैक स्टटर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, चाहे दोस्तों आपका पीसी जितना भी चिप क्वालिटी का हो उससे मतलब नहीं रहता है, या लैपटॉप जो भी हो दोस्तों, लेकिन काफी अमेजिंग रहेगा और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस एक क्लिक में आपका सारा काम होगा। तो वीडियो में बने रहे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों विंडोज 11 के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं फीचर्स के बारे में कि इसमें जो फीचर्स मुझे लगा काम का वो आपको बताऊंगा कैसे दोस्तों ये विंडोज 10 से अलग है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों विंडोज 11 जो मेरे पीसी में चल रहा है दोस्तों, ये देख लीजिए यहाँ पर लिख रहा है, अगर हम सेटिंग में जाके इंसाइडर प्रोग्राम में जाएंगे तो यहाँ पर लिख रहा है योर पीसी डज नॉट मीट द मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर विंडोज 11। विंडोज 11 के लिए मिनिमम हार्डवेयर नहीं है हमारे विंडोज़ में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडोज़ 11 यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी देख लेंगे तो विंडोज 11 चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं, आप समझिएगा कि छेड़छाड़ किए हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपको करना इंस्टॉल तो हमारे चैनल पे आइए और यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो वीडियो है देख लीजिए, विंडोज 11 इंस्टॉल अनसपोर्टेड पीसी, ये वाला जो वीडियो है आप देख लीजिए, इसमें सारा लिंक वगैरह दिया हुआ है तो वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा सब्सक्राइब का बटन, तो आप कर दीजिएगा, मेरे पे नहीं आ रहा क्योंकि चैनल ही मेरा है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो फीचर्स है इसको दोस्तों विंडोज 10 से अलग करता है वो है दोस्तों इसका स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू दोस्तों इस तरह का मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑल ऐप यहाँ पर एक जगह में आपको मिल जाएगा दोस्तों, इसको थोड़ा टच पीसी के जैसा बनाया गया। दूसरा जो है रिकमेंडेशन, मतलब दोस्तों आप जो रिसेंट में ओपन किए हैं सारा कुछ आपका URL वगैरह ऐप वगैरह सब कुछ यहाँ पर खुल जाएगा, तो इस तरह का कुछ यहाँ पर मामला लगता है। दूसरा चीज़ इसी में है दोस्तों कि यहाँ पर आप जाएंगे तो नीचे में बहुत सारी सेटिंग दी हुई है, लेकिन दोस्तों ये सब कुछ डायरेक्ट खुलेगा। जैसे दोस्तों आपको कंट्रोल पैनल खोना है तो यहाँ पर जैसे ही मारेंगे क्लिक तो देखिए ऐसा कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। तो इस तरह का दोस्तों यहाँ पर कुछ मामला इसका बनता है जो काफ़ी अमेजिंग लगता है। तो यहाँ पर से कुछ भी आप खोल सकते हैं अपने हिसाब से, और यहाँ से शट डाउन स्लिप वगैरह होता है। दूसरा चीज़ इसका दोस्तों, एक और चीज़ इसको अलग करता है वो इसका सर्च बार। सर्च बार दोस्तों यहीं बगले में आपको मिल जाएगा, इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं या नहीं रख सकते, और कुछ भी कस्टमाइज़ करना है दोस्तों तो इस तरह नीचे में जाएंगे और इस तरह क्रिएट करेंगे तो टास्क बार का दोस्तों सारा सेटिंग यहाँ पर खुल जाएगा। अपने हिसाब से आपको टास्क बार में क्या रखना है नहीं रखना अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं है। तो बात कर रहे हैं सर्च बार की, तो सर्च बार क्या है दोस्तों, इस तरह से सर्च बार में आएंगे तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, ऐप को भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट करना है तो उसको भी कर सकते हैं, यहाँ पर वेब का URL कुछ किए तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह का दोस्तों यहाँ पर कुछ है, और जो भी आप रिसेंट में सर्च किए वो चीज़ आपको नीचे में दिखेगा जो काफ़ी अमेजिंग है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देते हैं कि नोटिफिकेशन में इधर आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पहले क्या होता है कि कोई भी चीज़ ट्रांसलेशन करने के लिए हमको गूगल खोलना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, डायरेक्ट ही सर्च बार खोलिए और यहाँ पर दोस्तों ट्रांसलेशन में जब आएंगे तो आप कोई भी चीज़ को ट्रांसलेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा चाहे वैसा। देख लीजिए यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, सारा कुछ दोस्तों ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको और डायरेक्ट ही आप यहाँ से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह का दोस्तों यहाँ पर कुछ बनता है। चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर फीचर्स की, वो पहले नंबर पे था। दूसरा नंबर फीचर्स की तो वो है दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आएंगे दोस्तों तो पहले ही के जैसा है, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस की गई है। जैसे सबसे बड़ा चेंजेस है दोस्तों ये स्क्रीन स्नैप, ये क्या है दोस्तों, बस ऐसे क्लिक करिए ये आ जाएगा और अपने हिसाब से आपको फुल स्क्रीन लेना है या फिर दोस्तों हाफ स्क्रीन लेना है, जैसा लेना है आप यहां से ले सकते हैं, मतलब फुल लेना है हाफ लेना है, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को लेना है या फिर कुछ खास चीज़ को लेना है। जैसे चलिए हम विंडोज़ 11 का ले लेते हैं, इस तरह से दाब के लेके गए, देखिए इस तरह से लेके आए यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस तरह से अगर चाहेंगे स्नैप लेना तो वो भी ले सकते हैं दोस्तों, जो काफ़ी अमेजिंग है। बस इस तरह से करना और अपना कंट्रोल सी कर लिया, तो इस तरह का है। बात करते हैं दोस्तों और इसमें क्या ख़ास चीज़ दिया गया है, तो यहीं पर से दोस्तों आएंगे तो यहाँ पर देखिए उसी के बगल में आपको मिलेगा
टास्क व्यू। टास्क व्यू में जैसा आएंगे तो इस तरह से दोस्तों कुछ खुल जाएगा जो आप देख सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। मतलब अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो भी है आपका जितना खुला हुआ है बार सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। दूसरा चीज़ है, अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए दूसरा विंडो में चाहिए तो दूसरा विंडो में आप काम कर सकते हैं, एकदम फ्रेश विंडो मिल जाएगा। या फिर आप उसी में आइए तो अपना एक नंबर में आ जाइए, अपना एक नंबर में आ जाएगा। और यहाँ पर बता भी देगा दोस्तों कलर जो है थोड़ा डार्क भी हो जाता है, तो जिसके मदद से आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सा विंडो पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह का दोस्तों यहाँ पर कुछ अपने हिसाब से देखिए, और डार्क होते चला जाएगा, और डार्क होगा, और डार्क होगा, तो एकदम ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इस तरह का दोस्तों आप मल्टीपल विंडो यहाँ पर काम कर सकते हैं, जो काफ़ी अमेजिंग है। ये चीज़ दोस्तों विंडोज़ 10 में भी था लेकिन यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया हुआ है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जब आएंगे दोस्तों तो नोटिफिकेशन टाइप का खुलेगा, जो आप साइड में अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं या फिर वेदर वगैरह जानना चाहते हैं तो वो भी आप जान सकते हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है, अपने लोकेशन में क्या चल रहा है, अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं इंटरेस्ट वगैरह। आपको जो भी आप किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है वो चीज़ दोस्तों यहाँ से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको कहाँ का वेदर चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ दोस्तों आपको इस तरह का नोटिफिकेशन में यहाँ पर साइड में दिखेगा। बात करते हैं दोस्तों इसका सबसे बड़ा चीज़, तीसरा नंबर पॉइंट जो है मेन फंक्शन दोस्तों, इसका जो विंडोज़ है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो पहले क्या होता था, इस तरह से मिनिमाइज़ कर देते थे, फिर दोस्तों ये ओपन हो जाता था और यहाँ पर जाते थे तो ये वाला क्या है छोटा हो जाता था। लेकिन अभी आप अपने हिसाब से यहाँ पर साइड में कर सकते, ऊपर कर सकते, नीचे कर सकते, इस तरह से लगा सकते, यहाँ पर लगा सकते। देखिए एक चीज़ खुल जाएगा, उसके बाद देख लीजिए आप किस तरह से खुलते चला जा रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर बनते चला जाएगा, जिस हिसाब से चाहेंगे उस हिसाब से यहाँ पर देखिए अपने हिसाब से दोस्तों। आपको अगर छोटा रखना है तो छोटा भी रख सकते हैं, बड़ा रखना है तो बड़ा रख सकते हैं। देख लीजिए किस हिसाब से यहाँ पर खुल गया। तो यही है इसका दोस्तों मेन फंक्शन जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में जो आपको दिखाया जा रहा है। इसी का दोस्तों यहाँ पर बगल में देखेंगे तो एक मोबाइल का आइकॉन बना हुआ और योर मोबाइल लिखा हुआ है। ये क्या है दोस्तों, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो दोस्तों आपको माइक्रोसॉफ्ट के मतलब स्टोर में आपको मिल जाएगा। इस तरह से स्टोर में आप जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों बस मोबाइल लिखेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा, ठीक। तो ये वाला ऐप दोस्तों ओपन हो जाएगा जो आपके स्क्रीन के सामने है, फर्स्ट वाला। इसको बस दोस्तों इस तरह से ओपन करना है और आप कनेक्ट हो जाएंगे अपने मोबाइल के साथ बहुत ईजिली तरीके से, जो दोस्तों दूसरे मतलब इसमें नहीं मिल रहा था विंडोज़ 10 वगैरह में, लेकिन विंडोज़ 11 में दोस्तों ये चीज़ दिया गया है जो काफ़ी अमेजिंग है। तो इस तरह का दोस्तों देख लीजिए इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए मेरा विंडोज़ रेडमी नोट 10 प्रो मैं चलाता हूँ तो वो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। उसका दोस्तों सारा कुछ आपका खुल जाएगा, जैसे मैसेज वगैरह हो गया, या फिर दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर मैसेज वगैरह खुल जा रहा है, फ़ोटोज़ वगैरह खुल जा रहा है। अगर हम कॉल करना चाहेंगे तो पहले हमको कनेक्ट करना होगा, तो कनेक्ट क्या है बस इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आ जाए। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं अपने फ़ोन से ही, और जैसे ही यहाँ पर डायल वगैरह करेंगे कोई भी नंबर जैसे जो भी चाहे उसको डायल कर सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से कॉल वगैरह कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों मोबाइल कनेक्ट, इस पर डिटेल हमने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है दोस्तों, तो वो आपको लिंक दे देंगे आप देख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एंड्रॉयड ऐप की, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको दोस्तों। यहाँ पर स्टार्ट बटन में जाना है और यहाँ पर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफ स्टोर में जाना, और यहाँ पर दोस्तों जब आएंगे इसके होम पेज में तो आपको ऊपर ही एकदम ऊपर ही दोस्तों होम में ही आपको सारा ऐप कुछ मिल जाएगा जो आप देखना चाहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों होम पेज खुलेगा, आप नीचे पे आएंगे जैसे तो देखिए एसेंशियल ऐप जो है यही वाला है दोस्तों सारा एंड्रॉयड ऐप, सारा तो नहीं आया है लेकिन कुछ कुछ आया है, जैसे देख लीजिए व्हाट्सअप वगैरह हो गया, फाइल मैनेजर वगैरह हो गया, मैसेंजर हो गया, इस तरह का दोस्तों बहुत सारे ऐप यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो अभी आस्ते आस्ते अपडेट चल रहा है, बहुत सारे और भी ऐप आएंगे। नीचे जब आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर ट्रेंडिंग और ये वाला जब आएंगे यहाँ पर दोस्तों कनेक्ट टू स्टे इन्फॉर्म, यहाँ पर जब आएंगे तो सारा आपको ऐप मिल जाएगा, यहाँ तक टिकटॉक भी आपको देखने को मिल जाएगा जो आप देख सकते हैं, अमेज़ॉन म्यूज़िक वगैरह, ट्विटर वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। कुछ ऐप है जो मैं डाल के रखा हूँ जो आपको दिखाता हूँ दोस्तों, देख लीजिए ट्विटर भी मैं डाला हूँ यहाँ पर, Adobe Lightroom यहाँ पर डाला हूँ, इंस्टाग्राम भी डाला हुआ हूँ और व्हाट्सअप भी डाला हुआ हूँ। तो सब ऐप दोस्तों यहाँ पर ओपन हो जाता है बहुत ही ईजिली तरीके से, देख लीजिए यहाँ पर जैसे ओपन हो रहा है, देख लीजिए मेरा इंस्टाग्राम हो गया, तो यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, आपकी मर्ज़ी। अगर यहाँ फॉलो कर लेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ हम यहाँ पर भी डालते रहते हैं, वीडियोज़ वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह, तो सब कुछ यहाँ पर से भी आप बढ़ा सकते हैं हमें। अब बात करते हैं दोस्तों रिफ़्रेश रेट की, कि इसका रिफ़्रेश रेट को कैसे चेक करना है अपना डिस्प्ले का।
तो दोस्तों सेटिंग में जाना है, क्योंकि अब हम विंडोज़ 11 में दोस्तों हाई रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट दिया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। विंडोज़ 10 में दोस्तों था मगर उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन यहाँ दोस्तों कुछ एडवांस किया गया है। तो एडवांस यहाँ पर डिस्प्ले में आएंगे और सबसे नीचे वहाँ के एडवांस डिस्प्ले में जब आएंगे तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर रिफ्रेश रेट दिया गया है। मेरा 60 हर्ट्ज़ का पैनल है तो 6.06 हर्ट्ज़ दिखा रहा है, आपका अगर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा। और आपका डिस्प्ले का क्या क्या हिसाब किताब है वो भी चीज़ हो जाएगा, कितना है दोस्तों आपका डिस्प्ले, तो वो भी चीज़ आपको सब कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों रिफ्रेश रेट आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपका पीसी अगर स्लो वगैरह चल रहा है तो विंडोज़ 10 में ये फीचर्स नहीं था, लेकिन विंडोज़ 11 में दोस्तों ये चीज़ डाल दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जाना है स्टार्ट मेन्यू में, उसके बाद जाना है दोस्तों कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पैनल के बाद जाओ दोस्तों सिस्टम में जाना है, इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है जो दोस्तों विंडोज़ 10 में नहीं था। स्टोरेज में जब आएंगे दोस्तों तो स्टोरेज में इस तरह से आ जाएगा। स्टोरेज में आने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्फिग स्टोरेज सीन ये वाला जो दिखा रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर लिख रहा है ऑटोमेटिक यूज़र कंटेंट क्लीनअप। ये दोस्तों खुद ब खुद अपने आप को क्लीन कर लेगा, बस आपको यहाँ पर इसको ऑन करना है। इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पर अपने हिसाब से दोस्तों आप जो भी मतलब टास्क करेंगे, कुछ भी दोस्तों आपका जो होगा डिस्क में, वो चीज़ को ये खुद ब खुद क्लीन करेगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर शेड्यूल कर देना है कि आपको 30 डेज तक का रखना है, 1 डे करना है, 14 डेज करना है, जिस हिसाब से करना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेवर डिफ़ॉल्ट अब वो भी चीज़ अपना सेट कर सकते हैं और ड्राइव को भी क्लीन कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपको बार बार रिसाइकल बिन में जाकर उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर जो आप इसका जाते हैं रिसेंट बार में, मतलब यहाँ पर जाते हैं और प्रीफियर स्टैम्प वगैरह को उड़ाते हैं, तो इसको उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद दोस्तों अपने हिसाब से आपको करके देगा, मतलब ख़त्म करके देगा दोस्तों इस तरह से। तो यहाँ पर कोई चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ऑटोमेटिक रिसाइकल जो है काफ़ी ज़बरदस्त है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अपने विंडोज़ 11 जो आपका अगर थोड़ा सा भी लैग वगैरह कर रहा है तो उसको आप यहाँ पर से ज़बरदस्त बना सकते हैं। इस तरह से आपको बार बार जाकर यहाँ पर क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अपना ये काम करेगा। अब बात करते हैं इसका दोस्तों एक और फीचर्स जो काफ़ी ज़बरदस्त दिया गया है, वो है नियर बाय शेयर। तो नियर बाय शेयर कहाँ मिलेगा, आप यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो देख लीजिए यहाँ पर नियर बाय शेयर है। इसमें जैसे आएंगे तो यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑन कर लीजिए और कोई भी अपना मोबाइल से फ़ोटोज़ वगैरह को भेज सकते हैं वाईफाई के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू दोस्तों। बस इसको ऑन करना है, उसके बाद कोई भी चीज़ भेजिए या फिर दोस्तों यहाँ पर से कोई फाइल वगैरह आपको भेजना है तो वो भी दोस्तों आप भेज सकते हैं अपने दोस्तों फ़ोन से, मतलब कोई इमेज वगैरह अगर आपको भेजना है तो वो भी दोस्तों आप भेज सकते हैं नियर बाय शेयर से। तो बस यहाँ पर शेयर करना है और दोस्तों ये नियर बाय शेयर ऑटोमेटिक देख लीजिए यहाँ पर आ गया, नो लुकिंग फॉर नियर बाय शेयर, बस यहाँ पर भेज दीजिए अपने हिसाब से। और नीचे अगर भेजना है, मेल वगैरह करना है, ट्विटर वगैरह में डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ से गेट ऐप अगर आपको कुछ चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं। तो यही चीज़ है दोस्तों नियर बाय शेयर इसमें दिया गया है। और एक ज़बरदस्त चीज़ दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, मान लीजिए कि हम कुछ भी यहाँ पर से उठाए हुए हैं किसी भी तरह का, जैसे मान लीजिए कि हम इसको कॉपी किए हुए हैं इस तरह से। तो दोस्तों होता क्या है कि विंडोज़ 10 में भी था लेकिन विंडोज़ 11 में काफ़ी ज़बरदस्त कर दिया गया है। आप दोस्तों विंडोज़ बटन और वी बटन को डालेंगे तो क्लिपबोर्ड इस तरह से खुल जाता है, देख लीजिए जो हम स्नैप लिए थे वो सारा स्नैप यहाँ पर दिख जाएगा, जो दोस्तों आपको दिखाए थे इस तरह से। देखिए मैंने कटिंग किया था तो वो चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है अपने हिसाब से दोस्तों। बस विंडोज़ वी मारना है, यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से इसको ओपन करना है या रखना है आपको। आइटम कॉपी किया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट में जाऊँगा और चलिए प्रिंट खोल लेते हैं यहाँ पर और आपको दिखाते हैं यहाँ पर दोस्तों। पहला तो है वो चीज़ था, दूसरा चीज़ है इसको हम यहाँ से देख लीजिए इस तरह से हमने अभी इसको कॉपी किया था तो कॉपी हो गया। तो यही है दोस्तों क्लिपबोर्ड, जो दोस्तों फ़ोटो के साथ इमेज वगैरह आपका जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप स्टोर करके रख सकते हैं, आपको कौन सा रखना है नहीं रखना है, GIF वगैरह सब कुछ ऊपर में दिख जाएगा आपको कि अगर आपको ऑनलाइन कुछ GIF वगैरह को कॉपी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से दोस्तों।
तो यही चीज़ यहाँ पर दोस्तों खास दिया गया है विंडोज 11 में, जो आपके हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका वॉलपेपर चेंज करना, तो वो दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको ये वॉलपेपर अच्छा नहीं लग रहा, आपके इंटरनेट जुड़ा हुआ, आप चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से मतलब डेली नया नया वॉलपेपर लग जाए आपके दोस्तों डेस्कटॉप में, तो बहुत ही ईजी ट्रिक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दोस्तों सेटिंग में इस तरह से खोलना है, और यहाँ पर दोस्तों पर्सनलाइजेशन में जाना है, और उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए गेटिंग न्यू वॉलपेपर एवरी डे फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, बस दोस्तों इसको ओपन करना है इस तरह से दोस्तों, इंटरनेट से मतलब ये कनेक्ट हो जाएगा, और ये वाला जो दोस्तों सॉफ्टवेयर है इसको बस आपको इंस्टॉल करके छोड़ देना। इंस्टॉल कर लेंगे उसका बाद डेली दोस्तों नया नया वॉलपेपर आपके डेस्कटॉप में लग जाएगा। दोस्तों देखा आपने कि ये किस तरह से होता है, तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों और अपने पीसी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यही कुछ फीचर्स था। और भी दोस्तों जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए, और भी दोस्तों डिफरेंट टाइप का हम वीडियोस बनाकर आपको देंगे। और कोई भी दोस्तों आपको नॉलेज वगैरह चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए मोबाइल से रिगार्डिंग, या फिर दोस्तों आप हमारा टेक न्यूज़ देखा करिए, उसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त दोस्तों हम बताते हैं आपको सारी टेक न्यूज़। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नए मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।